हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपको डाटा टाइप के बारे में जानकारी देंगे। ये जो सीरीज चली हुई है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की सीरीज चली हुई है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी दी हुई है। यदि आपने इनके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में आपको डाटा टैब की कंप्लीट जानकारी देंगे जो कि ऑप्शन यहां पर लिखे गए हैं। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू शीट लेंगे। न्यू शीट लेने के बाद डाटा टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डाटा टैब पे क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर मैनी जो है ग्रुप वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो हम ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो ग्रुप हमारे पास गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा है। नेक्स्ट है क्वारी एंड कनेक्शन, नेक्स्ट सॉर्ट एंड फिल्टर, नेक्स्ट डाटा टूल, नेक्स्ट फोरकास्ट, नेक्स्ट आउटलाइन। इनके बारे में बात करेंगे प्रत्येक ऑप्शन के बारे में। तो पहले ग्रुप पर आते हैं। पहला ग्रुप हमारा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो जैसे कि 2007 या 2010 माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें जो है कुछ ऑप्शन आपको चेंज मिल सकते हैं। ठीक है, जो है आपका, यदि मैं ओल्ड वर्जन की बात करूं तो ओल्ड वर्जन में ये जो गेट डाटा है यहाँ पर लिखा होता है गेट एक्सटर्नल डाटा। ठीक है, वहाँ पर आपको सिर्फ दो या तीन ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमारे पास जो पहला ऑप्शन दिया गया है गेट डाटा, इसके अंदर हमारे पास मैनी ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ये गेट डाटा का मतलब क्या है, पहले हम इस बात को समझते हैं। गेट डाटा का मतलब ये है जो आपके पास यहाँ पर ये सीट दी गई है, यानी ये जो ब्लैंक सीट है आपके पास, यदि इस सीट के अंदर कोई आप डाटा इंसर्ट कराना चाहते हो, इस सीट के अंदर कोई डाटा आप लेके आना चाहते हो, तो कैसे लेके आओगे? या तो आप टाइप करोगे ऐसे कुछ। ठीक है, टाइप करना तो हो गया, इंसर्ट करना मतलब फिल करना। और यदि आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं जो मेरा डाटा ऑलरेडी कहीं पर बना हुआ है उस डाटा को आप यहाँ पर लेके आना चाहते हो, तो इसके लिए आपको गेट एक्सटर्नल डाटा का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? अब गेट एक्सटर्नल डाटा में क्या क्या दिया गया है? गेट एक्सटर्नल डाटा में आपके पास यहाँ पर मैनी ऑप्शन आ जाते हैं जिससे आप अपनी फाइल को इंसर्ट कर सकते हो। अपनी फाइल का मतलब क्या है, बाहर जो फाइल आपने स्टोर कर रखी हैं उनको आप इसके अंदर इजीली इंसर्ट कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन हमारे पास फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर फाइल से, जैसे आपकी कोई बुक, वर्कबुक बना रखी है आपने एक्सेल में, वहाँ से आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट या CSV से आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हो। XML, JSON, फोल्डर, ये इनसे आप अपनी फाइल कोई भी इंपोर्ट करा सकते हो। या आपके पास कोई डाटा बेस बना हुआ है, ठीक है, डाटा बेस आपके पास SQL सर्वर है आपके पास, तो उनसे आप, ये मैनी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनके यूज से आप अपना डाटा इंसर्ट करा सकते हो डाटाबेस से। एजूरे का अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, डाटा इंपोर्ट कराने के लिए डाटा बेस आपने एजूरे में बना रखा है कहीं पर, तो आप फिर एजूरे का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये आपका ओल्ड वर्जन में नहीं है, ये आपके नए वर्जन में ही है। यदि आप ऑनलाइन सर्विस है आपके पास कोई, उनसे आप अपना डाटा इंपोर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ से करा सकते हो। ठीक है, कोई आपके पास अदर सोर्स है, ठीक है, जैसे टेबल रेंज है, वेब है, या कोई और माइक्रोसॉफ्ट की क्वेरी है, ठीक है, तो इनसे भी आप अपना डाटा इंपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक या दो ऑप्शन आपको जरूर करके दिखाऊंगा कि कैसे डाटा इंपोर्ट कराते हैं। तो डाटा इंपोर्ट कराने के लिए अगर आपके पास एक्सेल की सीट है, तो मान लो आपने एक्सेल की सीट पहले ही कहीं पर बना रखी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको पहले एक टेक्स्ट की फाइल इंपोर्ट करा के दिखा देता हूँ। एक्सेल की तो आप बड़ा इजीली कर लोगे, लेकिन जो टेक्स्ट की फाइल इंपोर्ट करते हैं हम, CSV नहीं, मैं एक बता रहा हूँ, मैं ओनली टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट मतलब जैसे आपका नोट पैड होता है, ठीक है, नोट पैड से अगर आप फाइल इंपोर्ट कराना चाहते हो, मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखना कि कैसे फाइल बनानी है। मान लो आपके पास एक फाइल है नोट पैड की, और नोट पैड की फाइल को आपने इंसर्ट कराना है एक्सेल में। पहले नोट पैड की फाइल को कैसे बनाते हैं वो ध्यान दो। जैसे कि आपने कोई फाइल बनानी है और आपने कल को इसको इंपोर्ट कराना है, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। कुछ बातें का मतलब, जैसे जब भी आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो उसके बीच में एक पर्टिकुलरली आपने सिंबल देना है, या पर्टिकुलरली आपने कोई स्पेस या टैब लगाना है। सपोज करो जैसे मैंने लिख दिया नेम, ठीक है, तो नेम के बाद यदि टैब दबाना है तो टैब भी दबा सकते हैं, और यदि आप सिंपल स्पेस देना चाहते हो तो स्पेस भी दे सकते हैं। जैसे नेम हो गया, यहाँ पर रोल नंबर हो गया, ठीक है, और आगे मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है, आगे इंग्लिश है आपका,
और आगे कोई मैथ समथिंग, ठीक है, आगे कुछ समथिंग और है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डाटा डालना है, जैसे नेम हो गया रीना, ठीक है, रोल नंबर हो गया समथिंग ये, और हिंदी में नंबर मान लो ये हैं और इंग्लिश में ये हैं, और यहाँ पर ये कितने सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट आपको उतने डालने पड़ेंगे, फोर सब्जेक्ट हैं तो फोर सब्जेक्ट हो गया हमारा, यानी फोर आपने यहाँ पर नंबर डालने हैं। अब यहाँ पर रीना के बीच में, रोल नंबर के बीच में हमने एक एक स्पेस दिया है, ठीक है, तो आपको एक ही स्पेस देना है, या आपने टैब लगाना है तो टैब लगाओ, या आपके पास कोई और कोमा या समथिंग आपने लगाना है आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब आप इंपोर्ट कराओगे तो आपका डाटा जो है उस करेक्टर की वजह से या उस सिंबल की वजह से अलग अलग हो जाता है, ठीक है। मैं एक डाटा और लिख देता हूँ, जैसे मैंने पूजा लिख दिया, यहाँ पर इसकी ये रोल नंबर है और यहाँ पर ये नंबर है, तो ये नंबर आ गए हमारे। एक और लेते हैं हम रवि, यहाँ पर ये रोल नंबर, यहाँ पर ये नंबर आ गए, ठीक है। तो अब इसको हम सेव करते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि नाम तो चलो ठीक है, नाम के नीचे आ गया, रोल नंबर जो है रोल नंबर के नीचे ठीक है आ रहा है, लेकिन हिंदी जो है, इंग्लिश जो है, ये नंबर ठीक से नहीं आ रहे हैं इनके नीचे पर्टिकुलरली। आपको इससे मतलब नहीं है, ये अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको सेव करते हैं किसी नाम से, और मैं डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ पहचानने के लिए। तो यहाँ पर हमने डेमो डाटा के नाम से इसको सेव कर दिया, तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया, तो यहाँ पर ये फाइल आ भी गई होगी अगर आपको दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपनी फाइल में आएंगे, सॉरी एक्सेल की फाइल में आएंगे, ये हमारी फाइल थी यहाँ पर, और हमने यहाँ पर वो डाटा इंपोर्ट कराना है, यहाँ पर हम लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यदि नया वर्जन यूज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंस है आपका, या आपके ओल्ड वर्जन में कुछ अलग है, ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको 2019 सिखा रहा हूँ, इसके प्रोसेस जो है अलग है, और आप अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ करोगे उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो मैं दोनों बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आप गेट एक्सटर्नल डाटा या डाटा पे क्लिक करते हो, आपने फ्रॉम फाइल पे या टेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर लोकेशन मांगेगा ये, तो लोकेशन आपको दे देनी है कि आपकी फ़ाइल है कहाँ पर है, ठीक है। तो आपने लोकेशन मान लो डेस्कटॉप पे थी हमारी, और डेस्कटॉप पे हमारी फाइल थी ये डेमो डाटा के नाम से, ठीक है, ये टेक्स्ट की ही फाइल आएंगे यहाँ पर ओनली। तो आपने उस फाइल को चूज करना है और इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट करोगे, यदि आपके पास ओल्ड वर्जन है तो यहाँ पर इंपोर्ट के बाद वो कुछ करेक्टर के लिए बोलेगा कि आपने स्पेस लगा रखा है, क्या लगा रखा है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे तो हो जाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं अब आपको बताता हूँ। अब 2019 में क्या होगा, जैसे आपने फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी फाइल के साथ, और कनेक्टिविटी होने के बाद यहाँ पर एक विंडो खुलेगी जिसमें आपके फाइल का प्रीव्यू भी नज़र आएगा। ये सिर्फ 2019 या लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा आपको कुछ ऐसा ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर आप इसको लोड करा देते हो, ठीक है, तो ये एज इट इज ऐसे ही लोड हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो कि ये तो सेपरेट हो गई अपने आप, ये सेपरेट कैसे हो गई है, ठीक है, हमने तो अलग अलग लिखी थी और जबकि ये तो सेपरेट हो गई है, ठीक है। तो हमारे लेटेस्ट वर्जन में क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए होते हैं, ऑटोमेटिकली ये सेपरेट हो जाता है। अगर मान लो आपका यहाँ पर सेपरेट ना हो, ठीक है, तो आप ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाके आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पर इसको जैसे ही आप लोड कराओगे, ठीक है, जैसे हमने लोड कराई, और लोड करने के बाद यहाँ पर ये डाटा आएगा हमारा, थोड़ा वेट करें। तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी वो फाइल शो होने लग गई है, वेट करें, अब कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपकी वो फाइल शो होने लग गई है, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये वही डाटा है जो हमने अभी इंपोर्ट कराया था, यानी टैक्स की फाइल से। लेकिन आप यहाँ पर देखो, हम टैक्स की फाइल में वापस आते हैं, तो टैक्स की फाइल में जो डाटा हमने लिखा था इनमें हमने सिर्फ स्पेस डाला था, ठीक है, और ये जो है रोल नंबर अलग आ रहे हैं, हिंदी के नंबर जो है मैच नहीं हो रहे हैं, इंग्लिश के मैच नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल एज इट इज़ मैच हो रहे हैं, रोल नंबर के कॉलम में, हिंदी हिंदी के कॉलम में, इंग्लिश इंग्लिश के कॉलम में, सारा कुछ ठीक ठाक आ गया यहाँ पर। तो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपने डाटा इंपोर्ट कराया है गेट डाटा के द्वारा, या गेट एक्सटर्नल डाटा से आपने डाटा इंपोर्ट कराया है, ठीक है। अगर आपका ये सेपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। कई बार क्या होता है, जब आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो तो ये सेपरेट नहीं होता है, तो जब हम एडवांस एक्सेल की
वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका क्वेरी एंड कनेक्शन की एक अलग से वीडियो बनेगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका ये सेपरेट नहीं हो रहा तो कैसे सेपरेट होगा। फिलहाल के लिए आपने कुछ नहीं करना है, मैं दोबारा से फिर इंपोर्ट करा के दिखाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पर हम डाटा इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। अब गेट डाटा पे जाएंगे, फाइल में, यहाँ पर टेक्स्ट में, टेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपकी लोकेशन मांगेगा, लोकेशन के बाद कोई भी आपने यहाँ पर फाइल चूज कर लेनी है, ठीक है। या मैं ये दूसरा, मैंने एक डाटा बना रखा है, या मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने टैब लगा रखा था, तो देखते हैं कि टैब से भी जो है सेपरेट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको आपने सेपरेट कराना है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक और डाटा दिखाई देने लग गया जो कि इस प्रकार का है, ठीक है, जिसमें हमने रीना, पूजा और अजय आ गया हमारा यहाँ पर, और लोड करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डाटा देखो, ये लोड हो गया। तो ये वेरी सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप फाइल पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो एडवांस एक्सेल में जाके जो हमारी क्वायरी एंड कनेक्शन की क्लास है वो आप जरूर देखें, ठीक है, जिसका लिंक आपको कुछ दिन बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप गेट एक्सएमएल डाटा ले सकते हो, वर्कबुक से ले सकते हो, टेक्स्ट या एक्सएमएल या इनसे आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसी के अंदर ही वही ऑप्शन आ जाते हैं रिपीट यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हो, या आप यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट एंड फाइल, वही आ गया वेब यानी इंटरनेट से, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंपोर्ट होती है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको लिंक देना पड़ेगा कि जहाँ से आप डाटा इंपोर्ट कराना चाहते हो। मतलब क्या होता है कि वेब से जो आप फाइल लेना चाहते हो उसका आप यहाँ पर लिंक देना पड़ेगा, ठीक है। लिंक देने के बाद आप जो डाटा इंपोर्ट कराना चाहते हो वो डाटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए तो ही डाटा इंपोर्ट होगा। अगर आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, या कोई टेबल रेंज आपने बना रखी है, आप वहाँ से डाटा इंपोर्ट कराना चाहते हो, तो आप यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको इंपोर्ट करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रिसेंटली। रिसेंटली सोर्स वो होते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपने यूज करे थे, उन फाइलों के नाम सो होंगे या उनके लिंक सो होंगे जो आपने, मान लो अभी मैंने टेक्स्ट की फाइल यूज़ कर ली है, या जेसन की यूज़ की है, या डेटाबेस का कोई लिंक यूज़ किया है यहाँ से, या कोई ऑनलाइन और सर्विस हमने यूज़ करी है, ठीक है। तो रीसेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने रीसेंट पे अभी क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमने रीसेंट में जो यूज़ किया था, जैसे डाटा का हमने यूज़ किया था, डेमो डाटा यूज़ किया था, एक WW की भी यूज़ की थी, लेकिन ये मैंने पहले यूज़ की थी, आपके सामने मैंने नहीं यूज़ की, इसलिए आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रीसेंट में क्या होता है, ओनली सिर्फ जो आपने रीसेंट में लिंक यूज कर रखे हैं उनको दिखाएगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा लिंक कौन सा है, ठीक है, क्लोज करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो पहले से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये जो आपकी फाइल खुली हुई है, मान लो ये वाली फाइल खुली हुई है, ये फाइल आपने इंपोर्ट कराई है, ठीक है, लेकिन कहाँ से इंपोर्ट कराई है उसका नाम जानना है आपने, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे इस पर, आपने कहीं भी क्लिक कर देना और एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेरी के नाम से आएगा ये ऑप्शन, तो क्वेरी के आगे डाटा लिखा हुआ है, डाटा का मतलब इस फाइल का नाम डाटा है, मतलब डाटा के नाम से ये जो है फाइल इंपोर्ट कराई गई है। क्लोज करें, एक फाइल हमने और इंपोर्ट कराई थी यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, कहीं भी हमने क्लिक कर दिया, अब इसका एग्जिस्टिंग कनेक्शन चेक करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर, सॉरी, नीचे दिखाई दे रहा है, तो हमारे एग्जिस्टिंग कनेक्शन यानी जो हमारा रिसेंट कनेक्शन था वही हमारा एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारी फाइल में पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। यदि आपने कोई कनेक्शन यहाँ से हटा दिया तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आपको वो नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कनेक्शन इन दिस बुक, मतलब इस बुक के अंदर आपने तीन प्रकार के कनेक्शन का यूज़ किया गया है, ठीक है। डाटा का मैंने यूज़ किया, डेमो डाटा का यूज़ किया, WW का मैंने आपके आगे यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने जब ये वीडियो बनाने से पहले इसी फाइल में एक WW के नाम से फाइल लगाई थी जिसका कनेक्शन अभी तक आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। वेरी सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ से डाटा इंपोर्ट करा रहे हो। वेरी सिंपल, आपने अपने लोकेशन पे क्लिक करना और डाटा अपने आप ही इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेरी एंड कनेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की साइड, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेरी एंड कनेक्शन। इसमें है हमारा रिफ्रेश और क्वेरी एंड कनेक्शन। मैंने आपको बता दिया कि क्वेरी एंड कनेक्शन की मैं अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें हम डाटा को सेपरेट करना या ये सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले रिफ्रेश आपको पता होना चाहिए, या थोड़ा सा आपको क्वेरी भी बता देता हूँ, ठीक है। अब रिफ्रेश कनेक्शन या रिफ्रेश आल जो ये ऑप्शन दिया गया, ये क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है
कि यदि आप अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हमारी फाइल है ये, और सॉरी ये वाली ले लेते हैं, रवि वाली, ठीक है। तो ये वाली फाइल थी, और मैं नोटपैड की फाइल भी खोल लेता हूँ, यही वाली फाइल आप मैच करा सकते हो डाटा। यदि आपने यहाँ पर कोई चेंज कर दिया, जैसे मैं यहाँ पर एक डाटा और लिख देता हूँ, अनिल, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया अनिल, और यहाँ पर समथिंग इसका रोल नंबर ये है, और ये इसके नंबर हो गए यहाँ पर, और हाँ करैक्टर आपने सेम रखना है, मतलब स्पेस आपने सेम देना है, और यहाँ पर आपने बस इसको सेव करना है, ठीक है। किया क्या मैंने, टेक्स्ट की फाइल खोल ली, उसमें कोई चेंज कर दिया, ये मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब इसको हम क्लोज करें, एग्जिट करें। अब यहाँ पर वो डाटा आना चाहिए, वो डाटा कैसे आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिफ्रेश करो, ओनली आपने रिफ्रेश करना है, लेकिन यदि आप इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज कर रखा है आपने, तो आपका शायद रिफ्रेश ना हो, लेकिन मैं दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। देखो अब मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अनिल आ गया, अगर आपने ध्यान देखा होगा, ध्यान दिया होगा सॉरी, तो यहाँ पर अनिल आ गया, अपने आप आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप रिफ्रेश कर रहे होगे, शायद आपका ना आए, तो उसमें मैं बता देता हूँ कि क्या कमी हो सकती है। तो आपने इस पर कहीं भी क्लिक कर देना है, और ये प्रॉपर्टी आ जाएगी इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ वाली प्रॉपर्टी नहीं देखनी इसकी, इसकी आपको यहाँ वाली प्रॉपर्टी देखना है। नीचे आप आएंगे और इसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रही है, चलो इसकी प्रॉपर्टी हम क्वेरी एंड कनेक्शन में जो है इसकी एग्जिस्टिंग कनेक्शन, यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी आपके ओपन नहीं हो रही है, तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आएंगे आप, तो किसकी प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है, डेमो डाटा की। डेमो डाटा पे आप आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, एडिट प्रॉपर्टी कनेक्शन पे क्लिक करना है, तो ये प्रॉपर्टी खुल जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने देखो, यहाँ पर आपका इस पर क्लिक हो सकता है, या ये ऑप्शन जो है आपके ऑटोमेटिक ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। या आपने लिखना है देखो, रिफ्रेश एवरी 60 मिनट, या यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया 1 मिनट, ठीक है, और ओके कर दिया। तो ये जो टेबल है यहाँ पर, ये जो टेबल है, ये रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऑटोमेटिकली जो है ये 1 मिनट के अंदर जो है रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। या आप जैसे आप रिफ्रेश करोगे और आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए, तो आपने करना क्या है मैं बताना फिर भूल गया आपको, सॉरी कहाँ क्लिक हो गया। तो हमारे जो कनेक्शन है इस पर आपने आना है, आने के बाद प्रॉपर्टी में यहाँ पर अनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, आप इसको हटा दें और ओके, तो आपका ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे और ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ये 2007 में भी ऑप्शन है वर्जन के। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी क्वायरी की साइड। क्वायरी में क्या है, क्वायरी एंड कनेक्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्वायरी की एक विंडो खुलेगी, जिसमें आपने जितने भी फाइलों के लिंक बनाए होते हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आपने अब यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी आएगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, जैसे मैंने अब इसकी प्रॉपर्टी में चेंज करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अब मैनी मैनी ऑप्शन आ जाते हैं, अगर आपने इसको एडिट करना है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी वही ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो एडिट का मतलब क्या है, एडिट अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक क्वायरी के नाम से एक अलग विंडो खुलेगी, तो मैं इसी की बात कर रहा था। तो क्वायरी के ऊपर एडवांस एक्सेल में हम एक वीडियो बनाएंगे, तो ये क्वायरी की जो विंडो होती है, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए होते हैं, इनका क्या यूज़ है और ये क्या काम आते हैं, ठीक है, तो ये आपको देखनी जरूरी भी है, ठीक है। तो ये हम आप आने वाली क्लास में बताएंगे क्वेरी की में। बस यहाँ पर जो आपने टेबल दी गई है उसके अंदर चेंज कैसे करने हैं, किस हिसाब से करने हैं, वो चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा हो गया, एडिट लिंक अभी चल नहीं रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने सॉर्ट की साइड, ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो हमारे पास यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन हमारा होम में भी आया था, अगर मैं आपको होम ऑप्शन में भी, सॉरी होम टैब में भी मैंने आपको ये कंप्लीट कराया गया था, बस यहाँ पर एक एडवांस के नाम से एक ऑप्शन अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ये जो है दोबारा से फिर करा देता हूँ। तो इसके लिए आपके पास एक थोड़ा बड़ी टेबल होनी चाहिए जिसको आप फिल्टर कर सको, या जिस पे आप अपनी सॉर्ट एंड फिल्टर लगा सको। तो हम एक कोई टेबल ले लेते हैं, जैसे कि ये एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, ये एक टेबल है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। तो ये जो टेबल है, अब इसमें आप कोई सॉर्ट एंड फिल्टर लगाना चाहते हो, यहाँ पर टोटल करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं एक बार इसका टोटल कर दूँ, ऑटो सम, तो अब यहाँ पर जो हमने डाटा सॉर्ट करना है वो नेम वाइज करना है। नेम वाइज मतलब पहले ए के नाम आए, फिर बी के नाम आए, फिर सी के नाम आए, आप ऐसा सोच रहे हो, तो आपने इस टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने डाटा में जाना है, डाटा में जाने के बाद
सो टेंट फिल्टर में दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ए टू जेड और जेड टू ए, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। तो आपने इस पर क्लिक किया, जैसे आपने इस पर क्लिक किया अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपका ये डाटा जो है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले ए के नाम आ गए हैं, आशू है, आशुतोष है, दीपक आ गया, ठीक है, गौरव आ गया, तो ये आपके सॉर्ट हो गए। यदि मैं इस पर जेड टू ए करूँगा तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा, तो अब हमारा जो है लास्ट में जो टी है हमारा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एस, पहले टी आया, फिर एस आया, फिर एन, फिर आई, फिर जी और लास्ट में ए, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए ही है। लेकिन ये तो नेम वाइज हो रहा है, यदि आपने रोल नंबर वाइज इसको सॉर्ट करना है कि पहले, जैसे यहाँ पर रोल नंबर आप देख पा रहे हो कि ऊपर नीचे दिए गए हैं, आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, या यहाँ पर क्लास दी गई है, अब सेम क्लास है वैसे तो यहाँ पर, लेकिन अगर आपकी ऐसा हो टेंथ है, इलेवंथ है, प्लस टू है, ऐसे अलग अलग बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करना कराना चाहते हो, या यहाँ पर आपके टोटल दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट कराना चाहते हो, तो देखो कैसे करेंगे। टेबल को सिलेक्ट करो, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सॉर्ट पे जाएंगे, तो सॉर्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में दिया गया है कि आप नेम वाइज सॉर्ट कराना चाहते हो, रोल नंबर वाइज, क्लास वाइज, हिंदी, इंग्लिश, किसके वाइज आप सॉर्ट कराना चाहते हो, ठीक है। तो मान लो हमने रोल नंबर वाइज सॉर्ट कराना है, ठीक है। अब रोल नंबर वाइज सॉर्ट कराने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सॉर्ट ऑन, मतलब आप किस हिसाब से, वैल्यू के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, फॉन्ट या फॉन्ट कलर, मतलब ये क्या है, अगर ये एडवांस एक्सेल में आपको बताऊंगा मैं कि आप यदि आपने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है सेल के ऊपर, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी सॉर्ट एंड फिल्टर लगा सकते हो। बड़ा ही इजी है ये, फिलहाल हम सेल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सेल के अकॉर्डिंग में यहाँ पर आपने सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है, तो मान लो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू आए, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू आए, ठीक है, और ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर पहली जो सबसे पहले 1243 जो है यहाँ पर रोल नंबर है, सबसे जो छोटा है, और सबसे जो हाइएस्ट है वो 1261, यानी यहाँ पर 1261 जो है हाईएस्ट नंबर है, और लोएस्ट जो है 1243 है, ठीक है। तो ये जो नेम है, नेम भी जो है सॉर्ट हो गए होंगे, और रोल नंबर भी जो है ये भी सॉर्ट हो गए हैं आपके, ठीक है। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो हमारा जो डाटा है वो ऐसा आए कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, यानी जिन्होंने अच्छे नंबर ले रखे हैं उनके नंबर पहले आएँ, या जिनके कम नंबर कम हैं उनके नंबर नीचे आएँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने सॉर्ट कराना, तो सॉर्ट पर क्लिक करो। तो अब आपने यहाँ पर टोटल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेल वैल्यू ही रहने देना है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट जोन सी भी वैल्यू आपको फिट करनी है, तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे टेबल जो है सॉर्ट हो चुकी है। अब जो 426 जो है हाईएस्ट नंबर था हमारे पास, और जो स्मॉलेस्ट है वो 242 है, 242 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है। ये कम नंबर वाले हैं, ऐसे सीरीज जो है इंक्रीज हो रही है, असेंडिंग जो है इस प्रकार हो रहा है, ठीक है। ये डिसेंडिंग और असेंडिंग वही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था आपका सॉर्ट। अब आते हैं फिल्टर के ऊपर, ठीक है। फिल्टर क्या है हमारा, फिल्टर के लिए आपने टेबल को सेलेक्ट कर लेनी है और फिल्टर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, आप ध्यान दो यहाँ पर जो आपकी हेडिंग है, हेडिंग के आगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, ठीक है। ये फिल्टर का ऑप्शन होता है कि आपने अपने टेबल को किस अकॉर्डिंग फिल्टर कराना है। फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर का मतलब देखो ये होता है, जैसे मैंने अभी इस पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर सारे ओके हैं, तो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया। मैं एक बार जूम कर देता हूँ क्योंकि बच्चे फिर कमेंट करेंगे, सर जूम करके नहीं दिखाया, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इस विंडो में ये ऑप्शन दिए गए हैं, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया। हमारी टेबल के अंदर ये इतने डाटा दिए गए हैं, ये नेम के अकॉर्डिंग मैंने अभी इसको फिल्टर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे आंसू का देखना है, इंदर का देखना है और तरुण का देखना है, इन तीन बच्चों का सिर्फ डाटा देखना है, और ओके करेंगे तो हमारे सामने सिर्फ तीन बच्चों का डाटा ही दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हो तो आप इसको क्लियर कर दो, यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो और यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो, दोनों जगह से आप, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया तो ये डाटा ऐसे हो गया। अगर आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कराना चाहते हो तो रोल नंबर पे क्लिक करो, यहाँ पर रोल नंबर का डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो रोल नंबर मान लो मुझे सिर्फ आपको बोल दिया गया है कि कोई पर्टिकुलर नंबर दे दिए गए हैं, उन रोल नंबर का आपका डाटा देखना है, तो ओके, तो उन्हीं रोल नंबर का डाटा यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। या जो भी आपका सेल है उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर करा सकते हो, ठीक है। अब ये जो फिल्टर लगा दिया है आपने, अब इस फिल्टर को आपने रिमूव करना है, हटाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ फिल्टर के पास क्लियर दिया गया है, आप यहाँ से
क्लियर कर सकते हो, या आप इस पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसमें भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्लियर, ठीक। तो आप दोनों जगह से आप इसको क्लियर करा सकते हैं। मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, तो यहाँ से हमने क्लियर किया तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका फिल्टर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अब है एडवांस फिल्टर, ठीक है। एडवांस फिल्टर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है फिल्टर करने के लिए। वैसे तो इसके बारे में मैंने एक स्पेशल विंडो स्पेशल वीडियो बनानी है जो कि एडवांस एक्सेल से रिलेटेड होगी, जिसमें आपको मैं कुछ एडवांस में इसको फिल्टर करके दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि फिल्टर का यूज़ किस लिए होता है, तो सॉरी एडवांस फिल्टर का यूज़ किस लिए होता है। यहाँ पर आपको अब डाटा फिल्टर कराना है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस विंडो को समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले लिस्ट रेंज में वो टेबल सेलेक्ट कर लेना जिसके अकॉर्डिंग आपने डाटा फिल्टर कराना है, ठीक है। आपकी कैसी भी टेबल हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मैंने ये कुछ बच्चों की जो है स्टूडेंट का रिजल्ट दिखा रखा है, और आपकी चाहे जिस मर्जी भी डाटा की आपकी टेबल हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करा सकते हो, वेरी इजी वेरी सिंपल, ठीक है। आगे क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया वो होता है जिसके अकॉर्डिंग आपने सॉर्ट कराना है। अब इस बात को भी हम समझते हैं, इसके लिए हम आप क्राइटेरिया एक ले लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप लिख भी सकते हो, आप कॉपी भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये सेम टू सेम आ गई। अब यहाँ पर मैंने डाटा जो है जिसके अकॉर्डिंग मैंने नेम के अकॉर्डिंग, रोल नंबर के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग या टोटल के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट कराना है या फिल्टर कराना है, कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है आंसू, ठीक है, मैंने आंसू लिख दिया, तो होगा क्या आप देखना। तो हम आते हैं यहाँ पर और अपने एडवांस फिल्टर पे, अगर आपकी टेबल यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है तो आप ऐसे करना, यहाँ पर इसको काटना और यहाँ पर अपनी टेबल ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ऐसे आपने सेलेक्ट कर लेनी है टेबल रेंज। क्राइटेरिया में क्या आएगा आपका, क्राइटेरिया में यहाँ इसको काट देना, क्राइटेरिया में वो रेंज आएगी जो आपका ये क्राइटेरिया होता है, पूरा सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने जितनी टेबल के ऑप्शन दिखाने हैं या देखने हैं वो सारे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन दिए गए हैं फिल्टर, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसके अंदर फिल्टर द लिस्ट, ठीक है, इन प्लेस या कॉपी टू अनदर लोकेशन। यानी अगर आप फिल्टर, अगर आपने फिल्टर द लिस्ट पे आपने क्लिक किया और ओके कर दोगे तो आपकी जो ये टेबल है, ऊपर दी गई टेबल है, वो फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कॉपी अनदर प्लेस पे क्लिक करते हो तो मान लो जैसे आपने अनदर प्लेस में दोनों करा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे आपने ओके करते हो तो होगा क्या, अब आप देखो तो यहाँ पर देखो आशुतोष और आशू सेम करेक्टर थे, इसलिए यहाँ पर इसने इसको फिल्टर कर दिया, ठीक है। हमने पर्टिकुलर यहाँ पर कोई नाम देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर देखो इस टेबल को इसने सॉर्ट करा दिया, ठीक है। या आप सोच रहे हो कि नहीं टेबल पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई अनदर लोकेशन पे डाटा जो है हमारा आए, ठीक है, तो यहाँ पर आंसू की जगह हम दीपक ले लेते हैं, दीपक भी है इसके अंदर, नहीं दीपक ले लेते हैं, दीपक, तो दीपक लिया हमने, तो दीपक लेने के बाद अब यहाँ पर एडवांस में आएंगे, यहाँ पर हमने क्राइटेरिया हमने सही लिया हुआ है, एक बार नहीं लिया तो आप वापस से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है, ठीक है, उसको आप कहीं भी क्लिक कर दोगे, जैसे मुझे यहाँ पर लेना है, ठीक है, और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो देखो दीपक का डाटा यहाँ पर दिखाई देने लग गया। अब ये तो था नेम के अकॉर्डिंग, अगर आपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा सॉर्ट कराना है, भाई मुझे तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा सॉर्ट कराना है। एक चीज़ मैं और दिखा दूँ आपको, यदि आप कोई अल्फाबेटिक जैसे आपने दे दिया यहाँ पर ओनली ए, ठीक है, तो ए नाम से कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर ए नाम से तो वैसे दो ही हैं, और नहीं डी नाम से दो है, ठीक है, जैसे मैंने ओनली ए दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ए नाम के जो है जितने भी हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो सारे सो होने लग जाएं, ठीक है, तो हमने सिर्फ ओके करना है। तो यहाँ पर सॉरी मैंने क्राइटेरिया जो है उसी पे क्लिक कर दिया, मैंने अनदर लोकेशन पे क्लिक करना था, वापस से देखें यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आपने क्लिक करना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ मैंने यहाँ पर ये चेंज किया है और यहाँ पर ये चीज़ आपकी दिखाई देने लगी, ठीक है। दोबारा फिर देखो अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर कोई रोल नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैंने रोल नंबर डाल दिया 1255, ठीक है, मुझे 1255 का डाटा यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर बस आपको ये कॉपी टू अनदर लोकेशन आपने पे क्लिक करना और ओके कर देना। तो यहाँ पर ये देखो ये डाटा इस प्रकार हो रहा है, बस कुछ नहीं करना आपने यहाँ पर। मैं वापस से फिर समझा रहा हूँ, टेबल रेंज टेबल को सेलेक्ट कर देना, क्राइटेरिया
आपने जो भी यहाँ पर ये क्राइटेरिया, इसको क्राइटेरिया बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन, आप चाहे यहाँ क्लिक करो, आप चाहे यहाँ क्लिक करो, कहीं भी क्लिक करो, ये अनदर लोकेशन होती है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने डाटा टूल के डाटा टूल पे। आप डाटा टूल में ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, डाटा टूल है। सबसे पहले टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। अब टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है वो भी अब समझते हैं हम। टेक्स्ट टू कॉलम में एक नई सीट ले लेते हैं, जैसे ये सीट है हमारे पास, और मैं कोई डाटा फील कर रहा हूँ। और वैसे तो हमें डाटा जब फील करते हैं, जैसे ऐसे करते हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। और यहाँ पर अब अगली मैं लिखूँगा रोल नंबर में, ठीक है। रोल तो ये है, ऐसे लिखना होता है। फिर यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं क्लास, ठीक है, या रोल नंबर, ऐसे लिखना होता है। रूल तो ये है, लेकिन हमने क्या किया, बाय मिस्टेक या बाय जल्दी जल्दी हमने, या कोई भी ऐसा डाटा है जो एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे नेम लिख दिया, और बस हाँ, यहाँ पर आपको जैसे आपने वहाँ पर ये जो फाइल बनाई थी, अगर आपको याद हो डाटा की, यहाँ पर एक ने अपने पर्टिकुलर स्पेस दिया था सभी में, तो यहाँ भी ऐसा कुछ आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्या लगाना चाहते हो, स्पेस लगाना चाहते हो, कोमा लगाना चाहते हो, सेमी कोलन लगाना चाहते हो, क्या लगाना चाहते हो। हम यहाँ पर स्पेस लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास, ठीक है, और यहाँ पर हिंदी स्पेस इंग्लिश स्पेस मैथ या समथिंग और सब हो सकता है कुछ, ठीक है। तो अब ये जो डाटा है, मैं चाहता हूँ अलग अलग सेल में चला जाए, ठीक है। ये तो एक ही सेल के अंदर डाटा है, ये इस सेल के अंदर नहीं है, ये सिर्फ इस सेल के अंदर है। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। टेक्स्ट टू कॉलम पे जैसे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक विंडो जो है वो दिखाई देगी। इस विंडो में क्या है, इस विंडो में देखो आपके पास दो ऑप्शन है, डीलेमिनेटेड और फिक्स विड्थ। आपने डीलेमिनेटेड पे क्लिक करना है। डीलेमिनेटेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है कि आपने बीच में क्या लगा रखा है, मतलब टैब लगा रखा है, सेमी कोलन लगा रखा है, कोमा लगा रखा है, स्पेस लगा रखा है, क्या लगा रखा है। तो आप इन सबको अनटिक करें और जो लगा रखा आपने उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं स्पेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपका ये डाटा भी देखो जैसे सेपरेट होके नजर आएगा, तो आपको प्रीव्यू भी साथ के साथ पता लग जाएगा। तो आपने ऐसे क्लिक करना है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जब आप ओल्ड वर्जन में मतलब 2007 या 2010 में गेट एक्सटर्नल डाटा जब आप लेते हो यहाँ पर, और जब आप इंपोर्ट कराते हो कोई टेक्स्ट की फाइल, तो आपका यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट टू कॉलम में ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ गेट एक्सटर्नल डाटा की तरह ही है। तो यहाँ पर आपने स्पेस पे क्लिक किया, और यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ पर फिनिश। तो जैसे आपने फिनिश किया, तो देखो आपका डाटा जो है अलग अलग सेल में जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी एक सेल में लिखा हुआ डाटा, कंबाइंड डाटा जो है अलग अलग सेल में ले सकते हैं। ये है टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फ्लैश फिल। ये बड़ा ही जो है इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, और बड़ा ही यूजफुल है। ये सिर्फ लेटेस्ट जो है हमारे वर्जन में मिलेगा आपको, ओल्ड वर्जन में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ, बड़ा ही जो है, वैसे एडवांस एक्सेल में इसका मैं आपको थोड़ा और एडवांस में करके दिखाऊँगा इस चीज़ को। अब क्या होता है, जैसे मुझे कोई डाटा कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ये डाटा यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, मुझे सेम टू सेम डाटा यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कुछ भी नेम डाल दिया है, डालो या ना डालो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये वाला डाटा लेना है, तो हमने करना क्या है, सिर्फ पहला जो करेक्टर है वो हमने यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर नीरज है, पहला ऑप्शन क्या है, नीरज कुमार, ये ऑप्शन है। और अगले ऑप्शन आप सोच रहे हो कि ये ऑटोमेटिक आ जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फ्लैश फिल पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आपने फ्लैश फिल पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, अगर आप देख पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये डाटा इंसर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। दोबारा फिर दिखा रहा हूँ, मैं अंडू कर रहा हूँ यहाँ से, मैंने अंडू कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्लैश फिल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे हम फ्लैश फिल पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर ये डाटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। दोबारा फिर दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि अब आपको यहाँ पर रोल नंबर या यहाँ पर ये हिंदी के नंबर हैं, ठीक है, हिंदी के नंबर यहाँ पर फीड कराने हैं, तो आपने 62 लिखना है सिर्फ। और 62 लिखने के बाद यहाँ पर फ्लैश फिल पे क्लिक करना है, तो ये डाटा देखो सेम टू सेम यही डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी एक तरह से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, यदि आपने कोई नंबर लिखना है, कोई रैंडमली नंबर लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया 1000 कुछ भी समथिंग लिख दिया, 101 लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको फिल कराना चाहते हैं, तो फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे, तो देखो ये सेम टू सेम ऐसे रिपीट हो जाएगा,
ठीक है, ये आपको टेबल को सेंस करता है, टेबल के सेंस करने के बाद ये वैल्यू आती है, ऐसे नहीं आती, जो कि मैं आपको एडवांस जब आपकी टेबल चलेगी, सॉरी एडवांस एक्सेल में आपको मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इस प्रकार इसका यूज़ किया जाता है, या रोल नंबर लेने हैं आपने यहाँ पर, और इसकी शॉर्टकट की भी है, आई थिंक कंट्रोल ई है, ठीक है, यहाँ पर दी गई, हाँ कंट्रोल ई, ठीक है, अगर आप कंट्रोल ई करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं आपको बता दूं वापस से, इसके लिए आपको ना कोई सिलेक्शन देनी है, ना कोई कुछ करना है, सिंपल बस नेक्स्ट सेल पे क्लिक करना है, प्लस फील्ड पे क्लिक कर देना, वो चीज़ आपकी सो होने लग जाएगी, जिस चीज़ को आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम, बस हाँ यहाँ पर फर्स्ट टाइम फर्स्ट वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, आसान ऑप्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर। रिमूव डुप्लीकेट मतलब कोई सेम वैल्यू अगर आपकी टेबल में है तो वो ये जो है रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पर ये सेम मैं ले लेता हूँ, तो मैंने कॉपी कर दी यहाँ पर, कॉपी, ये पेस्ट, ये पेस्ट मैंने दो तीन बार कर दी, ठीक है। तो जो है डुप्लीकेट वैल्यू, जो ये सारी ये डुप्लीकेट वैल्यू हैं, और ये जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ये मैंने कॉपी की है, ज़रूरी नहीं कॉपी की हो, आप लिख भी सकते हो हाथ से, या कोई यहाँ पर कोई और नाम भी हो सकता है आपका। तो आपने इस टेबल को सिलेक्ट करना है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है, और कुछ नहीं करना, ओके करना है, और आपकी जो डुप्लीकेट वैल्यू बता भी रहा है, तीन डुप्लीकेट वैल्यू थी जो कि डिलीट कर दी गई है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है, मैंने कॉपी करी थी, आप लिख भी सकते हो, जैसे नेम हो जाते हैं यहाँ पर नेम है, रवि है, पूजा है, फिर रवि आ गया, फिर सीमा आ गया, फिर रवि आ गया, तो रवि जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन भी जो है एक यूजफुल ऑप्शन है हमारा। अब डाटा वैलिडेशन में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर सबसे पहले डाटा वैलिडेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं, इनके ऑप्शन बारे में बाद में बात करेंगे। तो डाटा वैलिडेशन क्या होता है, देखो डाटा वैलिडेशन से पहले आप डाटा वैलिडेशन के यूज़ के बारे में सीखो या उसके बारे में जानो। देखो जब भी हम कोई वैल्यू फिल करते हैं किसी भी सेल में, वो एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आना चाहिए था नेम, लेकिन इसने ऐसे यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर कोई पर्टिकुलर रेंज आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी हमने रोल नंबर डाल दिया, वो ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हम चाहते हैं अगर हमारी टेबल के अंदर कोई गलत वैल्यू कोई डाल रहा है वो एक्सेप्ट ना हो, ठीक है, तो हम सेल पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, सॉरी ये कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे, मैं अब आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। जैसे अब मान लो रोल नंबर हैं हमारे, रोल नंबर अब कोई भी पर्टिकुलर रेंज हो सकती है, इससे इस बीच के बीच में हमारे रोल नंबर हैं, मैं यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ, या नाम का भी लग जाता है, हर एक चीज़ का लग जाता है। अब मैं एक एक का लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर पहले कोई बात नहीं, मैं नाम लिख देता हूँ, मैंने रवि लिख दिया, ठीक है, पूजा लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर रोल नंबर डालना है, ठीक है, रोल नंबर जो है वो ओनली हमारा है जो है 1200 से स्टार्ट है, कितने से है 1200 से स्टार्ट है, जैसे 1201 भी हो सकता है, ठीक है, और 1202 भी हो सकता है, 1200 ऐसा कुछ, यानी 1250 के बीच में रोल नंबर आने हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ वो तो एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि गलत है ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देखो, यहाँ पर मैं दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितने सेल आप सिलेक्ट करोगे उन्हीं पर वैलिडेट लगेगी या कंडीशन लगेगी। अब इस चीज़ को समझो आप, यहाँ पर वैलिडेशन की जब आपने विंडो आई आपके सामने, तो यहाँ पर सेटिंग है, यहाँ पर है आपके पास अलो, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एनी वैल्यू है, होल नंबर है, डेसिमल है, टेक्स है, डेट है, अलग अलग है, तो आप एनी नंबर भी कर सकते हो, होल नंबर भी कर सकते हो, कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने होल नंबर ले लिया, ठीक है, होल नंबर लेने के बाद अब बिटवीन लेना है, नॉट बिटवीन लेना है, इक्वल टू लेना है। देखो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अब इस वीडियो में कम्प्लीटली तो इसको भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये वेरी इजी है, वेरी सिंपल है। इसमें ये बताया गया भाई बिटवीन में इससे इस बीच के में, नॉट बिटवीन भाई इससे इस बीच के बीच में हमने वैल्यू नहीं लेनी है। पहले मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ, फिर आपको पता लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1200 और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1250, ठीक है, हमने कर दिया ओके, और ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर हम कोई वैल्यू फिल करते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया 1201 या 1204, ये एक्सेप्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर हमने कुछ ऐसी वैल्यू हमने फिल कर दी और एंटर करेंगे तो ये मना कर रहा है, देखो इसको ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, चाहे जितना मर्जी आप जोर लगा लेना, जब तक आप वैल्यू सही नहीं करोगे तब तक ये एरर आपका दिखाई देता रहेगा, ये एरर शो होता रहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है कि सिर्फ और सिर्फ आप करेक्ट वैल्यू डालें, इससे क्या होगा कि आपकी टेबल में डाटा गलत फीड ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर भी मैं या 1250 हमने डाला था, ऐसा 1251 भी डाल दूंगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है,
ये था बिटवीन। अब नोट बिटवीन में क्या होगा, यहां पर वापस आते हैं, हमारी वैलिडेट पे वापस आते हैं। अब नोट बिटवीन में क्या होगा कि हमने यहां पर नोट बिटवीन लगा दिया, ठीक है, 1200 1250, ओके करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये तो चलो ठीक है आई हुई है, अब मैं यहां पर लिखता हूं 1205, तो ये आएगा ही नहीं, सॉरी ये आ गया, हमने कुछ गलत लगा दिया। एक बार वापस देखते हैं हमने लगाया क्या है, नोट बिटवीन हमने लगाया तो बिल्कुल सही है, सॉरी हमने लेकिन सेलेक्ट नहीं किया, लगाया तो है लेकिन सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट करेंगे, यहां पर कह रहा है ऑलरेडी लगी हुई है, कोई बात नहीं, उसको हमने चेंज करना है, ठीक है। ओहो गलत जगह क्लिक हो गया था, सॉरी, वहां पर वैल्यू लगी हुई थी तो इसलिए वो उसको हॉल वैल्यू, यहाँ पर बिटवीन, अब हम लगाते हैं नोट बिटवीन, यहाँ पर हमने डाल ली 1200 और यहाँ पर 1250, ठीक है, ओके। देखो मैं एक एक लगा के दिखाऊंगा तो ये बहुत जो है लंबी कहानी बन जाएगी आपकी, जो कि आपकी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी आपको कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को शॉर्ट में समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो मैंने 1204 डाला तो इस वैल्यू को ये नहीं दे रहा, क्योंकि ये नोट बिटवीन है, मतलब 1200 और 1250 के बीच में, ठीक है, हम कोई भी वैल्यू डालेंगे उसको ये नहीं लेगा, लेकिन अगर हम 1251 डाल रहे हैं तो इसको ले लेगा, ठीक है, नॉट बिटवीन और बिटवीन, समझ गए होंगे आप। ऐसे ही आपका यहाँ पर इक्वल बराबर आपने डाल दिया यहाँ पर, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर 1200, सॉरी इक्वल में आपने डाल दिया 1200, तो ओनली 1200 वैल्यू उसके अंदर फीड होगी, कोई ऊपर ना नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके नोट इक्वल भाई इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे कुछ भी हो, ग्रेटर देन का मतलब ये होता है जैसे आपने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर कोई वैल्यू दे दी 1200, तो 1200 के ऊपर की वैल्यू फीड होएगी, नीचे की वैल्यू फीड नहीं होगी, ठीक है। लेस देन जैसे 1200 लगा दिया, आप देखो मैं जरूरी नहीं 1200 लगा रहा हूँ, आप भी 1200 लगाना, आपके यहाँ पर प्रोडक्ट की रेंज क्या है या वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई भी वैल्यू डाल दी तो उससे कम वाली वैल्यू ही फीड होगी, उससे ज़्यादा वाली वैल्यू फीड ही नहीं होगी, ग्रेटर दैन एंड इक्वल, ठीक है, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेस दैन एंड इक्वल या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका होल नंबर। अब आते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट डेसिमल मतलब कितने डेसिमल एक्सेप्टेबल हैं, और मैं आपको एक आपके काम की चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि टेक्स लेंथ, ठीक है। अब टेक्स लेंथ जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब हम कोई नाम लिख रहे हैं, जैसे रवि जो है आपका 4 करेक्टर का है, या यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन लगाना चाहते हो कि 5 करेक्टर या 6 करेक्टर से ज़्यादा का नाम ना आए, पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेट पे गए, वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर आपने एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल भी हो जाएगा, लिस्ट भी हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर आपका डेट भी कराऊंगा, पहले टेक्स लेंथ करा देता हूँ, ठीक है। तो टेक्स लेंथ में देखो बिटवीन कह रहा वो भाई इससे इस बीच के बीच में, वही देखो वही ऑप्शन आ गए सारे, ठीक है, सभी में वही आएंगे, बस आपको समझना पड़ेगा। अब हम लगा देते हैं क्या लगाएं, बिटवीन ही लगा देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 4 करैक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए आपका 6 करैक्टर का, ठीक है, नाम, ओके। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, अब मैं लिख रहा हूँ अन्नू, ठीक है, मैंने लिख दिया अन्नू, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 करैक्टर का है, अगर आप लिख रहे हो रवि तो ये 4 करैक्टर का, ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अब आपने लिख दिया पूजा 5 करैक्टर का है, ये भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन आपने लिख दिया और कुछ, जैसे मैं लिख देता हूँ संदीप, ठीक है, संदीप, तो इसमें करैक्टर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए ना इसमें, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होएगा, ये कहेगा भाई ये टैक्स जो है बड़ा है, ठीक है। तो ये होता है आपका टैक्स के ऊपर लग गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है डेट पे लगाना चाहते हो तो डेट पे भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए हम कोई मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कोई डेट है, मान लो ये डेट का कॉलम आपका।
अब डेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई एंट्री कर रहे हो और वो एंट्री या कोई मतलब कोई पर्टिकुलरली जैसे कोई एडमिशन कर रहे हो या कोई एंट्री कर रहे हो, भाई इस डेट वाले रजिस्ट्रेशन या कोई इस डेट के बाद फॉर्म एक्सेप्टेबल ना हो या इस डेट वाले एक्सेप्ट हों या कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब कोई डेट की कंडीशन देनी है। देखो मैं एक बार एक एग्जाम्पल लगा के दिखाता हूँ आपको। सपोज करो आपने यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन डेट है वो इस बीच से इस बीच की देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेट पे आएंगे और यहाँ से बिटवीन लगाओ, नोट बिटवीन, नोट बिटवीन, भाई इससे इस बीच आपकी रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगी, आगे पीछे आप कभी भी उसकी एंट्री करा सकते हो। इक्वल सिर्फ इस दिन ही, इस दिन की ही एंट्री एक्सेप्टेबल है, नॉट इक्वल इस दिन की एंट्री एक्सेप्टेबल नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन समथिंग, तो हम बिटवीन लगा देते हैं, ठीक है। तो बिटवीन में यहाँ पर आपको कोई डेट देनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर 010 जो है 2 से लेकर 2020 ये लगा दी, ठीक है। एंड डेट क्या लगा दी हमने, तो एंड डेट लगा दी हमने यहाँ पर 31, आई थिंक यहाँ पर आपका जो सेकंड में जो है इसमें मंथ सो होता है, चलो कोई बात नहीं, वो तो वहाँ पर पता लगेगा, सेकंड में सॉरी डेट्स आती है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओके देखो एंड डेट जो है वो वैलिड नहीं है, वो मैं समझ गया था ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ही डालना पड़ेगा, एक, और यहाँ पर आपको ये मंथ है जो पहले वाला ये मंथ है और जो बीच वाला है ये आपका ये डेट है। तो यहाँ पर आपको हो क्या रहा है 31 डालनी, ठीक है भाई, एक महीने तक आपके फॉर्म की एंट्री एक्सेप्टेबल होंगी, ठीक है। डेट एंटर एंड इज इनवैलिड, हमने तो सही डाल दी है, वेट करें अपने ऑप्शन के पास, डेट सॉरी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर डेट बिटवीन, यहाँ पर स्टार्ट डेट कुछ भी डाल दी, 010 नहीं 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 हाँ 01 ही आएगा, हम तो सही कर रहे हैं सारे ऑप्शन, 2020 यहाँ पर 31 1 2020, ठीक है मेरे हिसाब से ठीक डाल लिया है, बाकी ओके करते हैं। हाँ एक्सेप्ट हो गई, पहले क्यों नहीं हुई पता नहीं क्या गलती कर दी थी हमने। चलो अब यहाँ पर जो डेट की एंट्री करोगे, मैंने एक ही सेल सेलेक्ट किया, आपने 2-3 कर रहे होते तो वो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन 2-3 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वापस से ओके, यहाँ पर डेट और ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है कि जैसे अब कोई रजिस्ट्रेशन की डेट है और उसके फार्म की एंट्री है 2 जनवरी, मतलब जनवरी मतलब 1 डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर 2020, ठीक है। तो ये तो एक्सेप्ट हो गया आपका, लेकिन अगर कोई ऐसे कर रहा है, मतलब 1 फरवरी यानी 1 फरवरी यानी यहाँ पर मैं मंथ चेंज कर रहा हूँ 2020, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल, ठीक है, वो कह रहा कि नहीं भाई इस डेट के बीच में एंट्री एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कोई और डेट डालोगे, जैसे मैंने डाल दी 25/01/2020 और ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार आप डेट पे लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा वैलिडेशन में ही डेट के बाद है टाइम, टाइम। अब देखो एक एक लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट हो रहा है, वैसे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर टाइम पे हमने लगाया, टाइम पे भी वही है कि मान लो कोई आपने फार्म की एंट्री है या कोई जैसे कोई आप एग्ज़ाम ले रहे हो, भाई इस टाइम से पहले की एंट्री है, इस टाइम के बाद की एंट्री नहीं है, ऐसा कुछ आपने कोई कंडीशन लगानी है टाइम के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। मैं एक लगा के दिखा देता हूँ, तो टाइम पे लगाते हैं। तो बिटवीन अगर लगानी है तो आप ऐसे लगा सकते हो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की एंट्री एक्सेप्टेबल है, उसके बाद नहीं। या जैसे आप ने कोई एग्ज़ाम से पहले कोई टाइमिंग दे रखी है, भाई जैसे आपका 9 बजे एग्ज़ाम है तो 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में जो है एंट्री होगी, तो आप बिटवीन लगाएंगे। या आप ऐसे लगा सकते हो कि भाई सिर्फ इतने बजे ही एंट्री, जैसे इक्वल, इक्वल क्या होगा, जैसे 9 बजे आपने एंट्री दे दी, सिर्फ 9 बजे एंट्री होगी, ना उससे 1 मिनट पहले ना उससे 1 मिनट बाद, ठीक है, ऐसा वैसे होता नहीं है। ग्रेटर देन तो हम नहीं लगा सकते, मतलब ग्रेटर देन लगा सकते हैं, भाई 9 बजे के बाद ही एंट्री अवेलेबल है, 9 बजे से पहले अवेलेबल नहीं है। लेस देन, भाई 9 बजे से पहले एंट्री अवेलेबल है, 9 बजे के बाद नहीं है, ठीक है। तो मैं कौन सी लगाऊँ, लेस देन लगा देता हूँ, ठीक है। लेस देन लगाने के बाद हमने यहाँ पर टाइम दे देना 0 और यहाँ पर रेशो में 00, ठीक है।
अब हमने लेस देन दिया है, ये बात आप ध्यान रखें, तो हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अब बच्चा आ रहा है या एंट्री है वह है 8:30 बजे की, ठीक है, 0 और रेसो में 30, ठीक है। तो ये एंट्री एक्सेप्टेबल, सॉरी लेस देन, ठीक है, हमने लेस देन लगाया था एस्टेब, मतलब 8:30 बजे बच्चा आ रहा है तो उसकी एंट्री वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर बच्चा आ रहा है 9:01 पर, ठीक है, तो इसकी एंट्री वो मना करेगा कि इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने लेस देन लगाया कि 9 बजे से पहले की एंट्री अवेलेबल है, 9 बजे के बाद की एंट्री अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई टाइम के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो ये था वैलिडेट के ऑप्शन हमारे, वैलिडेट, आप वैलिडेट में आप आते हो यहाँ पर वैलिडेट में, ये तो थे किन किन के ऊपर लगानी है, टेक्स्ट पे आप लिस्ट पे भी लगा सकते हो, डेसिमल पे भी, एनी नंबर पे भी। अब इनपुट मैसेज क्या होता है, इनपुट मैसेज या एरर मैसेज जो होते हैं, जैसे अब यहाँ पर जैसे आप दिखाना चाहते हो कि जब भी आप कोई रॉन्ग वैल्यू डालते हो, जैसे मैंने कुछ भी ऐसे वैल्यू डाल दी और एंटर, देखो यहाँ पर लिखा रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पर कोई एरर जो है वो दिखाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको ठीक चेंज करा सकते हो। कैसे दिखाता हूँ अभी आपको मैं, तो यहाँ पर आप इनपुट एरर मैसेज यहाँ पर आप डाल सकते हो, रॉन्ग वैल्यू, और यहाँ पर प्लीज टाइप राइट टाइम या कुछ, या प्लीज एंट्री या कुछ जो भी आपने लिखना है, प्लीज टाइप राइट वैल्यू में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो या कुछ ऐसा लिख सकते हो, प्लीज टाइप वैल्यू लेस देन, हमने यहाँ पर टाइमिंग की लगा रखी है ना, ठीक है, तो 9, ठीक है, AM PM जो भी आपने लगाना है, ठीक है, वो आप लगा सकते हो, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप लेके आओगे, तो यहाँ पर देखो रॉन्ग वैल्यू, जब ये सॉरी ये रॉन्ग वैल्यू नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, कोई ऐसा कुछ दे सकते हो आप, दोबारा देखो यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू नहीं देंगे हम, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं प्लीज नॉट, ठीक है। तो जैसे यहाँ प्लीज नोट आ गया, यहाँ पर लिखा रहा है प्लीज टाइप वैल्यू लेस देन ऐसे 9 AM, ठीक है, उससे पहले की वैल्यू, ये कह रहा, तो मतलब ये एक मैसेज आ जाएगा, ये तभी आएगा जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। लेकिन जो एरर मैसेज है वो आप चेंज कराना चाहते हो, तो उसके लिए एरर अलर्ट पे आएंगे। पहली बात तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं कि आप कैसा लेना चाहते हो, ठीक है, ऐसा लेना चाहते हो तो मान लो ऐसा ही लेना चाहिए। टाइटल यहाँ पर आप दे सकते हो रॉन्ग वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर लिखें प्लीज टाइप करेक्ट वैल्यू या राइट वैल्यू, ठीक है, अपने हिसाब से आप जो मर्जी आप एरर देना चाहते हो, सॉरी यहाँ पर चेंज कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। अब इसके लिए जैसे मैं यहाँ पर कुछ डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू और प्लीज टाइप राइट वैल्यू, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी मैसेज बना सकते हो। तो ये था हमारा अपना वैलिडेट, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की साइड करते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में ही हमारे पास ऑप्शन है, सॉरी हम यहाँ थे, तो नेक्स्ट है हमारे पास डाटा वैलिडेशन में सर्कल इनवैलिड डाटा, ठीक है। अब ये सर्कल इनवैलिड डाटा क्या होता है, ठीक है, इसमें ये होता है यदि आपने पहले से भी ही कोई डाटा फीड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं वैलिडेशन सिखा रहा था अभी आपको, ये तो वो था कि जब आप यहाँ पर, मैं अभी बता रहा था बिटवीन नॉट बिटवीन समथिंग, ये तो तब था जब आप वैल्यू फीड कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसी टेबल है जिसके अंदर वैल्यू पहले से ही फीड है, ठीक है, जैसे कि ये वैल्यू है, इसके अंदर वैल्यू पहले से ही, ये टेबल है इसमें वैल्यू पहले से ही फीड है। अब इसमें से कोई गलत वैल्यू आप फाइंड कराना चाहते हो, भाई इसमें कोई गलत वैल्यू तो नहीं है, कैसे, अब जैसे कोई भी हो सकती है वैल्यू, अब आपने एक टेबल ले लेनी है, टेबल लेने के बाद डाटा वैलिडेशन वापस आना है,
और इसमें जो भी आपने जिसके अकॉर्डिंग होल नंबर डेसिमल जिसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू फाइंड करानी है तो आप यहाँ पर करा सकते हैं। जैसे मैं होल नंबर ले रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब जैसे बिटवीन या नोट बिटवीन इक्वल कुछ भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अब मुझे ये चेक करना है, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ इस वैल्यू में, इस टेबल में जो है 40 से कम वैल्यू आनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, 40 से कम या 40 ऐसा होना चाहिए था, 40 और 100 के बीच में, मतलब 40 और 100 के बीच में जो है वैल्यू आनी चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा आनी चाहिए ना उससे कम आनी चाहिए। मान लो 40 वाले फेल हैं और 100 से ज़्यादा आएंगे नहीं, ऐसा कुछ फाइंड करना था। ओके, अब ओके किया तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो टेबल वैसे की वैसी है। अब क्या करेंगे, अब वापस से हम अपने वैलिडेशन में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया हमारे पास सर्कल इनवैलिड डाटा पे आपने क्लिक करना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो क्या हुआ, तो यहाँ पर आपके कुछ सेल के ऊपर सर्कल आ गए। अब ये सर्कल क्यों आए हैं, ये सर्कल इसलिए आए हैं क्योंकि ये डाटा जो है गलत है, जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर सॉरी डाटा वैलिडेशन लगाई थी बिटवीन की, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है यहाँ पर गलत है। अगर आप इस वैल्यू को चेंज कर देते हो, जैसे मैंने चेंज कर दिया, तो उसका सर्कल जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता लग जाता है, इससे ये पता लग जाता है कि आपने अपनी टेबल के अंदर कोई गलत वैल्यू तो नहीं डाल दी है, ठीक है। ये बहुत ही आसान और इजी ऑप्शन है एरर फाइंड करने का, ठीक है। देखो आपके सर्कल भी आपके गायब हो गए। अब इस टेबल में से ही आपने जो है ये जो सर्कल है वो हटाने हैं, तो यहाँ पर क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक करना है, वो हट जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका वैलिडेशन ऑप्शन जो कि बड़ा ही आसान था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप इसको बड़ी टेबल पे भी यूज कर। नेक्स्ट ऑप्शन है कंसोलिडेट, ध्यान से देखें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट का यूज़ किस लिए किया जाता है, देखो यहाँ पर आपके पास मैनी मैनी फंक्शन मिल जाते हैं, इसमें सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन किस लिए, यानी मैं इसको ना थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी जब आपका डाटा बड़ा है, बड़ा क्या, वो अलग अलग टेबल पे है, ठीक है, और उन अलग अलग टेबल के डाटा को आप एक टेबल पे उनका आंसर देखना चाहते हो, मतलब उनका सम देखना चाहते हो, उनकी एवरेज देखना चाहते हो, उनका मैक्सिमम मिनिमम देखना चाहते हो, तो वो उसके लिए आप कंसोलिडेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा समझने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो सबसे पहले तो आपके पास तीन टेबल होनी चाहिए, मैं एक बार दिखा दूँ आपको, मैंने तीन टेबल बना ली थी जैसे एक, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर ये नेम सेम हो और यहाँ पर ये टाइटल सेम हो, ठीक है। हाँ ये चीज़ आपकी चेंज हो सकती है क्योंकि इन्हीं चीज़ को आपने देखना है, ठीक है, ये रिजल्ट है ये आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। हर एक का आपने, मैंने यहाँ पर भी चेंज कर दिया है और टेबल जो है सेम है। तो इसके जो ये तीन टेबल हैं, मान लो ऐसा ही मान सकते हो आप, ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, ये सेकेंड सेमेस्टर का, ये थर्ड सेमेस्टर का, ऐसा कुछ मान सकते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको वो डाटा लेना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें, कंसोलिडेट पे जाएंगे। कंसोलिडेट पे जाने के बाद, ठीक है, रेफरेंसेज का एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। सबसे पहले तो आप वो चीज़ सेलेक्ट करें जो आप लेना चाहते हो, मतलब काउंट लेना चाहते हो, मैक्सिमम मिनिमम। में सम पे क्लिक कर देता हूँ पहले। सम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस देना है आपने टेबल का, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एरो पे क्लिक कर दें, थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। फर्स्ट वाली सीट को आपने सेलेक्ट किया और इसको पूरी को सिलेक्ट कर लेना है। पूरी को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो एड्रेस है यहाँ दिखाई देने लग जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे हम। वापस से उस पर वापस से क्लिक करेंगे। अब हम दूसरी वाली टेबल को, आप दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, कितनी भी टेबल को आप यहाँ पर इकट्ठा जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर अब आप वापस से इसको जोड़ो यहाँ पर ऐड, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर अपना, और सॉरी यहाँ पर, और सीट नंबर तीन को भी आपने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड। अब उसके बाद अब यहाँ देखो नीचे ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों सीट का एड्रेस जो है यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब यहाँ पर टॉप रो का मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा नहीं हुआ नेम रोल नंबर समथिंग, ये आपने देखना है, तो आप इस पर क्लिक कर दो। और यदि आप ये यहाँ पर लेफ्ट में जो दिए गए हैं, मैं एक बार हटा वापस से सॉरी लेफ्ट में जो कॉलम है उनको भी आपने देखना है और टॉप रो को भी देखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक को क्रिएट लिंक, अब इसका यूज़ भी आप आगे आपको पता लग जाएगा, इस पर भी आप क्लिक कर दें और ओके कर दें। जैसे आपने ओके किया तो यहाँ पर एक टेबल आ गई आपके सामने, ठीक है। इसने रोल नंबर को भी जोड़ दिया, लेकिन रोल नंबर को चलो नहीं जोड़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हिंदी में जो नीरज कुमार है उसके कितने नंबर हैं,
यहाँ पर 170, हाँ 170 है यहाँ पर, गौरव के 259 समथिंग। ये क्या है, ये तीनों सेमेस्टर का टोटल है, टोटल ये है। और यहाँ पर एक प्लस का निशान भी दिया गया है, यदि आप इस पर क्लिक करते हो तो ये दिखाएगा कि जो है यहाँ पर आप अपना नाम भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने वहाँ पर दिया नहीं था, तो यहाँ पर आप दे सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, उसमें इतने इतने नंबर थे, तो जिसके अकॉर्डिंग टोटल जो है नीरज का ये आया है। ठीक है, ये टोटल का नीरज, सॉरी ये नीरज का टोटल है। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी चेक कर सकते हो। तो ये है कंसोलिडेट, मतलब दो डाटा को, दो टेबल को, तीन टेबल को या किसी पर्टिकुलर सेल को आप कंबाइन करके उसका किसी पर्टिकुलर प्लेस पे डाटा जोड़ सकते हो। यहाँ तक मैक्सिमम मिनिमाइज करना है वो भी आप देख सकते हो, जो आप देखना चाहो, मतलब सब कुछ आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये काउंट दिखा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये रिलेशनशिप है। देखो ये रिलेशनशिप क्या होता है, दो टेबल को जोड़ने के लिए होता है, लेकिन ये एडवांस एक्सेल का मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे ही यहाँ पर डाटा मैनेजमेंट का है, मतलब डाटा, बड़े डाटा को कैसे मैनेज किया जाता है, तो आपका एडवांस एक्सेल वाली वीडियो में ये आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोरकास्ट की साइड बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास व्हाट इफ़ एनालिसिस, तो जिसमें सिनेरियो मैनेजर, गोल सिक समथिंग है। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी कोई टेबल होनी चाहिए, और जो कि टेबल नहीं है, मैं टेबल एक बना लेता हूँ। ये हमने एक टेबल बना ली है, और इसमें ये मान लो, पहले तो मैं बता दूँ कि जो आपका यहाँ पर सिनेरियो है, सिनेरियो क्या होता है, किसी जो प्रोडक्ट है या कोई भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रोडक्ट को, उसकी वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, ऐसा कुछ मानने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लो एक कोई स्वीट्स है, उसको बनाने में आपकी इतनी, मान लो यहाँ पर आप यूनिट भी दे सकते हो कितनी केजी वो लग रही है। तो ये अमाउंट जो है, मान लो ये 300 की शुगर लग रही है, मिल्क कितने का, गैस, लेबर या कोई वगैरह वगैरह खर्च, तो ये टोटल आपकी 5 किलो स्वीट्स बनाने के लिए आपको इतना एक्सपेंस पड़ रहा है। ठीक है, इसका टोटल कर देते हैं हम, इतना एक्सपेंस पड़ रहा है आपको। अब उसके बाद आप इसका प्राइस डिसाइड करते हो, ठीक है, कि कितना इसका प्राइस होना चाहिए। ये तो आपकी कॉस्ट है। अब ये जो कॉस्ट है हमेशा के लिए सेम नहीं रहती, ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं प्राइस इनका कल को, और कम भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपने देखना है कि इसका मिनिमम प्राइस कितना जा सकता है और मैक्सिमम प्राइस कितना जा सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इन प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने आना है, कहाँ गए हम, सॉरी डाटा टेबल में, डाटा टेबल में व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो, सिनेरियो मैनेजर में यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर लेना है। ऐड पे जब ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सिनेरियो का नेम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम ऐसा कुछ दो देना है आपने यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ होगी, इसको ऐसे नहीं सिलेक्ट करना था। सिलेक्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ, सिर्फ आपने अमाउंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, टोटल को ना करें, अमाउंट को। और यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर, वही ऐड पे क्लिक करेंगे, मिनिमम मिनिमम प्राइस देना है आपने। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पर मिनिमम अमाउंट कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम अमाउंट हो सकती है, मान लो ये 300 का है तो 250 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 350 कर देते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लेना। तो ये तो मिनिमम अमाउंट होगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड एक और करनी है, जिसको आपने मैक्सिमम के नाम से जो है नाम दे देना है, मैक्स के नाम से, यहाँ पर ओके, वही सेम। तो यहाँ पर आप इसके यहाँ पर जो है प्राइस दिखाई देने लगे, ये आपने हाईएस्ट जो है प्राइस दे देने हैं यहाँ पर कोई भी। तो ये आपके हाईएस्ट प्राइस है, ओके। अब ओके करने के बाद अब आपने समरी पे क्लिक करना है। तो देखो क्या कि हमने सिर्फ यहाँ पर दो अमाउंट डाल दी, मिनिमम और मैक्सिमम, उसके बाद बस आपने यहाँ पर टोटल पे, सॉरी यहाँ पर टोटल पे आपने क्लिक करना है। टोटल पे क्लिक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप इसको है ना क्लोज करो और टोटल पे क्लिक करो। टोटल पे क्लिक करने के बाद सिनेरियो मैनेजर में वापस आओ। अब इसकी आप समरी जो है देखना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो समरी का ऑप्शन दिया गया है, आपने इस पर क्लिक करना है।
अब ये पूछ रहा है सॉरी यहाँ पर रिजल्ट सेल अब मांग रहा है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, तो आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो एक नई टेबल आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर आपके जो है ये आपकी करंट वैल्यू है, ये तो आपकी मतलब नॉर्मल वैल्यू रहती है। अब आपकी मिनिमम वैल्यू ये 1250 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये हो सकती है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ऐसे आप किसी प्रोडक्ट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सिनेरियो मैनेजर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने गोल सिक्स में ये होता है, यदि आपकी कोई टेबल है उस टेबल में आपने कोई वैल्यू को चेंज करना है कैसे। अब ये एक टेबल है, इसमें यहाँ पर आशु के जो हैं नंबर, आशु नहीं गौरव के नंबर हैं 242, मतलब 242 नंबर हैं। हम चाहते हैं इसके 300 नंबर हो जाएं। अब 300 नंबर तो तभी होंगे जब इनमें से किसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब किसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज करें, ऐसे 300 लिखने से तो करेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो किसकी वैल्यू चेंज करेगी, ये 300 हो जाए। तो आप इसके लिए गोल सिक्स का यूज़ कर सकते हो। तो गोल सिक्स पे आप क्लिक करेंगे, तो गोल सिक्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सेट सेल में वो सेल लेना है कि जो आप यहाँ पर यानी जिसमें आपने चेंज करना है। बाय वैल्यू चेंज वैल्यू मतलब सॉरी टू वैल्यू में, यहाँ पर आपको टू वैल्यू में जैसे कोई सी कितनी वैल्यू देनी है, 250 देनी है या 300 देनी है, ठीक है। मैंने 300 डाल दी, आप कुछ भी डालो। अब 300 तो तभी आएगा ना जब किसी सेल में कोई चेंज होएगा। तो इस पर आपने क्लिक करना है बाय चेंजिंग सेल पे, और किसी इनमें से एक पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मतलब 36 में कितने जोड़े कि यहाँ पर 300 आ जाए। तो ये इतनी हेडक आप मतलब माइंड में लेने की जरूरत नहीं, बस आपने ओके करना है कि यहाँ पर 94 हो जाएंगे तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। तो अपने आप इसने दिखा दिया। तो ये इस प्रकार आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये था आपका गोल सिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास फोरकास्ट का है, मतलब ये सिर्फ एक तरह का ग्राफ है। आप अपने टेबल को ग्राफ में कुछ इस प्रकार देखना चाहते हो तो ये क्रिएट कर देता है। अभी आपका ये दिखा नहीं रहा, लेकिन आपका ये ग्राफ में दिखाता है आपके डाटा को। जो आपका डाटा होता है उसका एक तरह से ग्राफ क्रिएट कर देता है। बाकी एडवांस एक्सेल में जब मैं आपको इसको कराऊंगा तो आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को मैं कि किस प्रकार इसमें जो है रिजल्ट ग्राफ के रूप में शो होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिखाने भी लग गया कुछ ग्राफ, ये इस प्रकार से ग्राफ जो है आपका दिखाई देने लगता है। यहाँ पर नहीं दिखा रहा, ठीक है। हम कुछ यहाँ पर स्पेशल जो है टेबल वो लेनी पड़ती है, इस वजह से नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे आउटलाइन की साइड। आउटलाइन में है ग्रुप अन ग्रुप। अब ग्रुप में क्या होता है, यदि आपकी कोई टेबल बड़ी है, जैसे अब इनको आपने मिनिमाइज करना है या ग्रुप करना है, तो आपने बस इस पर ग्रुप कर दो। अब ग्रुप आपने रो को करना है, कॉलम को करना है, ऐसे आप कर सकते हो। जैसे हमने रो को कर दिया, ओके, तो ये रो ग्रुप होगी। इससे होगा कि आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग दिखाई दे रही है या कुछ ऐसा, आप यहाँ पर ग्रुपिंग लगा सकते हो अपने टेबल के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। अगर आपने इसको ग्रुपिंग हटानी है, यहाँ से अनग्रुप करो, अनग्रुप यहाँ पर मतलब नीचे दिया गया है, और रो पे क्लिक करो या अनग्रुप हो जाएंगे। ऐसे आप कॉलम पे लगा सकते हो। अब ये तो था ग्रुप अनग्रुप, वेरी सिंपल है। जिसको भी आप रो कॉलम को ग्रुप करना चाहते हो आप क्लिक ग्रुप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास सब टोटल। अब सब टोटल के लिए क्या होता है, जब आप दो या दो से अधिक जो आपके पास टेबल हैं उनका इकट्ठा रिजल्ट देखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। एक मैं टेबल बना लेता हूँ। तो हमने एक टेबल बना ली है, और इस टेबल में हमने कुछ एक्सपेंसेस को दिखाया है। आपके अकॉर्डिंग कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस, जैसे टी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ और भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर दिखा दें। और दिखाने के बाद अब मुझे इनका सबका टोटल दिखाना है, या हम सोच रहे हैं कि इनका टोटल हो जाए तो कैसे होगा। तो आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस आपने एक्सपेंसेस को जो है या अपनी जो भी आपकी टेबल थी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाटा पे आना, डाटा पे यहाँ पर सब टोटल पे आपने क्लिक करना है। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आइटम और अमाउंट है, ये दोनों पे टिक मार्क हो, ये आप ध्यान रखें, और बस ओके करना और कुछ नहीं करना है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता देता हूँ मैं क्या है। अब यहाँ डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आइटम क्वांटिटी थी, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, हमने कोई क्वांटिटी नहीं दी इसलिए जीरो आ रहा है। तो ग्रांड टोटल जो है कितना आ रहा है, सॉरी 3691 रुपये, ठीक है।
तो इतना एक्सपेंस पड़ा है, तो मालिक पूछ सकता है भाई ये कितना, कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया, तो आप प्लस का निशान यहाँ पर प्रेस करोगे तो ये दिखा देगा कि टी का एक्सपेंस इतना है, स्टेशनरी का इतना है, ट्रैवलिंग का इतना है, ठीक है। यदि मालिक कहे कि भाई कहाँ कहाँ पर आपने टी एक्सपेंस करी, कब कब करी, तो आप यहाँ पर प्लस पे निशान, यानी टी की आप कोई डेट भी दे सकते हो या टाइम भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ का टी का टोटल यानी 1, 2, 3, 4, 5 बार आपने इस दिन टी एक्सपेंस आया आपके ऊपर। स्टेशनरी का दिखाना चाहो तो प्लस का निशान दबाओ, यहाँ पर स्टेशनरी की डिटेल आ जाएगी, या कोई ट्रैवलिंग का या कोई और दिखाना चाहो तो आप ऐसे क्लिक करते जाओगे और आपका यहाँ पर सब टोटल जो है शो होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका टोटल और सब टोटल यानी आउटलाइन भी कंप्लीट, और यहाँ पर ये जो है डिटेल ऐसे शो एंड हाइड करने के लिए होती है, जैसे ये डिटेल है हमने ऐसे ये हाइड होगी और शो कर दिया तो ऐसे ये शो हो जाने, सॉरी यहाँ पर डिटेल जो है शो नहीं हो, सॉरी हो रही है, ठीक है। यहाँ से शो हो रही है, एक बार और क्लिक करो और शो हो जाएगी, माइनस करो मिनिमाइज तो ऐसे मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये डिटेल शो और यहाँ से मिनिमाइज, ठीक है। और ये था आज का हमारा ऑप्शन डाटा टैब का। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो लंबी होने के लिए सॉरी। और यदि आप हमारी किसी आने वाली जैसे रिव्यू या रिव्यू टैब या हेल्प इनसे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो वीडियो की, तो उसका लिंक भी आपको कुछ दिन बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एडवांस एक्सेल से संबंधित यदि आपने कोई वीडियो देखनी है तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।